मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में कहा कि 3 साल में उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदला है, तरक्की ने गति पकड़ ली है। इन्वेस्टर समिट और उसके बाद हुए 2 ग्राउंड सेरेमनी के जरिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आना इसका सबूत है। तरक्की की ये गति वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी नहीं रुकी। इस दौरान करीब 45,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। ये प्रदेश की सरकार, उसकी नीतियों और कानून व्यवस्था पर लोगों के भरोसों का सबूत है। आप तो अपने हैं, बदले माहौल में उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए और अपनी कर्मठता और अनुभव का लाभ अपने प्रदेश और अपने लोगों को भी दीजिए। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां प्रवासी उद्यमियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा, अपनी जड़ों से लगाव स्वाभाविक है, अब समय आ गया है एक बार जरूर अपनी माटी से अपने रिश्ते को मजबूत करें। कार्यक्रम में सीए पंकज जायसवाल द्वारा लिखी रिपोर्ट यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम का संचालन पंकज जायसवाल ने किया। मुत्तुस्वामी ने आभार जताया। प्रवासी उद्यमियों में दिनेश चंद उपाध्याय, अशोक तिवारी, अरविंद राही, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, एसवी गिरी, अनिल तिवारी, सैफ कुरैशी, इलियास गदरीवाला, आशुतोष श्रीवास्तव, राकेश सिंह, अनीस, दिनकर पाठक, योगेश साहू, राम सिंह आदि थे। समय की पाबंदी की वजह से वो नहीं आए। दूसरे, मैं IMC का अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो हमारे कुछ मेंबर भी आना चाहते थे और लास्ट मिनट पे नहीं आगे, उनके सोर थ्रोट था तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने गंज था, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्लास्टिक का ही सबसे ज्यादा यूज है कंपेयर टू अदर मटीरियल, सो दैट मींस राइफल बहुत ही लाइट हो जाएगी। तो मैं अवस्थी साहब से दोबारा आके जरूर मिलूंगा सर। नेक्स्ट सर। प्रणाम सर, मेरा नाम विजय सुजान है, मैं JNV ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। सर, हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम यूपी फुटप्रिंट का डायरेक्शन है हमारे लिए। हमारा प्रेजेंस महाराष्ट्र से हम करते हैं, हालांकि बॉर्न मेरे अंकल, मेरे चाचा सब लखनऊ में हुए हैं, सो इट इज़ लाइक गोइंग बैक होम। सर, रबर का हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है जो हम ऑटोमोटिव में करते हैं, और जितनी टेक्नोलॉजीज हम ऑटोमोटिव को मेक इन इंडिया के लिए दे रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो HAL को सप्लाई करते हुए। अभी हमारा जो MOU हुआ है रिसेंटली, सो वहाँ पे हम अभी हेडक्वार्टर क्रिएट करना चाहते हैं यूपी में फॉर डिफेंस, एरोस्पेस एंड रेलवेज। तो ये तीनों सिनर्जी वहाँ पे क्रिएट करके वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी। सर, आप लोग जो है बेसिकली जो पूरा रबर का एरिया जो है उसका टेकअप करके पूरा हेडक्वार्टर यहाँ बना रहे हैं, बहुत बड़ा जो है लखनऊ में। आप लोग सर आज भी इम्पोर्ट होता है रबर के काफी पार्ट्स डिफेंस में। सर नमस्ते, योगी जी, मेरा नाम अभिनंदन लोढ़ा है। हम ऐसे तो भू निर्माण के कार्य में हैं, लेकिन हम विजय के साथ में इनके डिफेंस प्रोजेक्ट में जॉइंट वेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं, और हम भू निर्माण के कार्य में भी यूपी में आपके साथ में आपके आशीर्वाद से जुड़ना चाहेंगे। तो आप उसमें भी आना चाह रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आना चाह रहे, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आइए। जी सर, मेरे पिताजी भी भारत जो बम्बई BJP के गवर्नमेंट जी का ग्रैंडसन थी। हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे, हम यूपी में उसके सब समय लेके आएंगे। नेक्स्ट का प्रसाद जो है, अयोध्या का प्रसाद और एक सिक्का जो है आपके लिए रखा है, तो मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग उनसे। उत्तर प्रदेश में डिफेंस प्रोडक्शन के फील्ड में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के जिससे आज की इस सिटिंग में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन के मिनिस्टर श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नगरीय विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी,
यूपीटा के सीईओ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूं श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां पर उपस्थित हुए। जो उत्साह डिफेंस कॉरिडोर के प्रति देखने को मिला है, डिफेंस एक्सपो का लखनऊ का कार्यक्रम रहा हो या उसके बाद, वो बहुत ही हम सबको उत्साहित करता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर की जो संभावनाएं हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश के किसी भी भूभाग में अगर आपको जाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर के जो 6 नोड तय हुए हैं, इसमें अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी नोड्स में बेहतर कनेक्टिविटी पहले से भी है और हम लोग एक्सप्रेस वेज के साथ भी इन सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और लैंड बैंक के साथ साथ हम लोग स्वयं भी हमारी इससे संबंधित एक पॉलिसी भी प्रदेश ने पहले ही लॉन्च की है। जो सुझाव आज यहां पर हमारे पास आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। हमारे पास नॉलेज पार्टनर के रूप में पहले से ही वहां पर उस प्रकार के संस्थान मौजूद हैं, चाहे वह IIT कानपुर हो, IIT BHU है और भी अन्य इस प्रकार के संस्थान वहां पर हमारे पास मौजूद हैं और बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ जो नोड है उसके पास ही हम लोग एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो व्यापक संभावनाएं, उन संभावनाओं के साथ अगर हम सब जुड़ सकेंगे तो निश्चित ही ये न केवल आपके व्यवसायिक हित सुरक्षित रहेंगे बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए आप शॉर्ट नोटिस में उपस्थित हुए आए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।